और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ तो मेरे पीछे हमारे गाँव की सारी लड़कियों को उनके पिताजी बाहर रखे पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर अगर मम्मी पापा से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ के, कौन लड़की क्या करी, घर पे भी इतना ध्यान नहीं रहता होगा जितना यहाँ पे रखते हैं हमारा। जिस प्रकार का आप मोटिवेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वास्तव में राजनीति के आप अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा कोमल जाट को, जो कि भीलवाड़ा से हैं। कोमल जाट मंच पे आए, कोमल जाट मंच पे आए, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इसके साथ में बताना चाहूंगा आपको कि इसके पिताजी टीचर हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, लंबे टाइम से हम जुड़े हुए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि आज भी इस दुनिया में है, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सही को सही कहते और उसका प्रचार भी करते। इसके पिताजी, इनकी बच्ची पढ़ रही है, भगवान जाने क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन इनके पिताजी हमेशा रॉयल संस्थान की सेवाओं से शायद खुश रहे। अक्सर मुझे फ़ोन करते कि लो जीएल सर से बात करो, अरे सर हमारे पड़ोसी है, अरे सर हमारे रिश्तेदार हैं, आप बात करो। मैं चाहता हूँ ये भी आके संस्थान में पढ़ें। एक बार इनके पिताजी के लिए हार्दिक एक बार मन से तालियां बजाएं। और मैं चाहूँगा कि कोमल के पिताजी यहाँ आए, हमारे बीच में आए। इसके अलावा आपके गाइडेंस की वजह से मांडलगढ़ के सरपंच साहब हैं शिव कुमार जी, सरपंच साहब से भी चाहूँगा यहाँ आए, आप आइए सर हमारे बीच में आए। और सरपंच साहब भी आज ही संस्थान के अंदर, क्योंकि जैसे आप रॉयल में आए और ये दोपहर बाद में आए थे, उसके बाद में हम रिजल्ट में लग गए तो मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, आज आपको टाइम नहीं दे पाया। लेकिन आपने भी अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, मैं पूछना चाहूँगा सरपंच साहब से कौन सी क्लास में कराया? 12th में करवाया सर। बहुत बढ़िया। 11th कहाँ से की बच्चे? तो भीलवाड़ा से, महेश से। अच्छा, महेश स्कूल है, वहाँ से बच्चा पढ़ के आया 11th में। 12th में यहाँ 12th विथ फाउंडेशन बैच में उसने एडमिशन लिया है। मैं आपको विश्वास दिला दूँ, माहौल देख के आपको लग गया होगा कि अगर आप अपने बच्चे को कम से कम टाइम घर बुलाओगे, और बच्चा मतलब कई बार रिजल्ट में पेरेंट्स का बड़ी भूमिका रहती है, तो आप बच्चे को कम से कम डिस्टर्ब करना, कम से कम गांव बुलाना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे अविश व्यास ही आया था, वैसे 12th के साथ में अगली बार आपके बच्चे को बुलाऊंगा, आप यहाँ रहोगे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप लाइव देखोगे आपके बच्चे को, मैं सम्मान करूंगा उसको। ताली बजाओ जोरदार। अब सम्मान करना अपनी परंपरा रही है, तो सबसे पहले मैं हरिप्रकाश जी का, कोमल के पापा जी का और सरपंच साहब का सम्मान करूंगा। मैं चाहूंगा मेरे टीम से कि सापा मुझे दें। कोमल जो है, कोमल हमारे लोंगियर बैच की स्टूडेंट रही है, बहुत अच्छी, इसने ईमानदारी से मेहनत की और बहुत अच्छी रैंक के साथ में ये अच्छे नंबर लेके आई है। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में कहा था आपको, कोमल पेपर देके आई थी तो आते ही इसके साथ में कनिका आई थी, आपको भी बताना चाहूँगा। तो ये टेंशन मत थी कि सर मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा पेपर बिगड़ गया। हाँ, दुख होता है, कोई भी आदमी जब ईमानदारी से मेहनत करता है और कहीं पर भी 19-20 होता है और जितना अच्छा वो कर सकता था उतना अच्छा नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन मैं मेरा निजी अनुभव बताना चाहूँगा सर आपको कि भगवान भी क्या है, बहुत तेज है, चेक करता है आदमी को। जो अच्छा करने वाला है उसको एक बार और झटका देता है कि देखे इस टाइम क्या करते हैं। तो जैसे इसका ICAR टारगेट है, BHU टारगेट है, तो इसका पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जाना चाहिए। लेकिन बहुत मेहनती, बहुत सिंसियर बच्ची रही सर हमारी। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कई लोगों को तो सपने उतने नंबर इसके आ रहे हैं। इसके नंबर आ रहे हैं 334, 334 नंबर है। और इसकी OBC वर्ग के अंदर 32वीं रैंक रही है। रॉयल संस्थान की ओर से बेटा आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू आगे भी पढ़ना। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैं कोमल जाट फ्रॉम भीलवाड़ा, और मैं ICAR ओल्ड की छात्रा हूँ, और यहाँ मेरे को लगातार एक साल हो गया पढ़ते हुए, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक मैंने यानी बहुत
सब टीचर्स एंड सबने बहुत अच्छा गाइड किया, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया यहाँ पे, और मेरे को हर एक टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव मिला। सबने बहुत अच्छा यानी पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी, और हर एक टीचर यहाँ के बेस्ट है, सबसे बेस्ट टीचर है, और सब टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, किसी ने कोई कमी नहीं रखी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हर एक टीचर को कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया और इतना अच्छा नॉलेज रखा कि हमारे हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ इतनी अच्छी क्लियर है कि हमारा कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। और अगर हो भी जाता तो हम वापस देखते कि हमारी कमी कहाँ रही। टीचर की इसमें कोई कमी नहीं रहती, अगर हमारे से गलती हुई तो हमारे से अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो हम उसको, हमारे पढ़ने में कोई गलती हो जाती इस वजह से होती, टीचर की कोई गलती नहीं रहती। टीचर हमेशा हर एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता है और हर एक बच्चे पर बहुत अच्छे से ध्यान देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मतलब फुली सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी मेहनत की। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू से इसकी अच्छी रैंक आती थी, लगभग ये टॉप 15 के अंदर ही रही कंटिन्यू, और कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में रही नहीं रही, और जो कुछ कहा उसकी इसने पालना की और उसी का नतीजा रहा कि इतनी अच्छी ये रैंक लेके आई है। और इसके मुंह से आपने सुना होगा ये ICR ओल्ड बैच की बच्ची है, ICR ही इसका टारगेट है। इससे ये पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। मैं GVPT में जाना चाहती हूँ, मेरा सपना है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में अधिकतर लड़कियाँ, लड़कियों को, लड़कों को भी नहीं इतने, लड़कियों भी इतनी बाहर नहीं है कोई, मेरे पापा ही एक है जो लड़कियों को सबको, हम तीन बहन है और एक भाई है, हम तीनों ही बहनों को मेरे पापा ने ज़्यादा यानी किसी के फादर ने इतना नहीं पढ़ाया जितने मेरे पापा हम तीनों बहनों को पढ़ा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ तो मेरे पीछे हमारे गाँव की सारी लड़कियों को उनके पिताजी बाहर रखे पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाए एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जो अलग होते हैं ना वो उनकी बातों से लग जाता है कि वास्तव में अलग है, और लोगों के लिए करना चाहता है। मैं तो दुनिया में किसी भी आदमी को उठा लो जिसने अपने लिए जिया, उसको अपने याद ही नहीं करते, उसकी पुण्यतिथि याद नहीं है अपने को, लेकिन उसी की याद है, उसी की अपन सालगिरह मनाते हैं जो कि लोगों के लिए काम करता है। और आज यह पूरी साल अच्छा कर रही थी, अच्छा रिजल्ट दे रही है, उसका कारण एक ही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग ये सोचे कि जब वो कर सकती है, आपकी बच्ची जब बाहर जाके पढ़ सकती है तो हमारी क्यों नहीं पढ़ सकती, ये उनके लिए मोटिवेशन बनना चाहती है। बहुत बढ़िया कोमल, बहुत आप पूरी साल आपने अच्छे से मेहनत की। मैं थोड़ा सा आपसे लंबी बात करना चाहूँगा, हॉस्टल में गर्ल्स रहती हैं, हर जगह रहती होगी, अपने हॉस्टल का मैनेजमेंट और जो हॉस्टल में गर्ल्स रहती हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि किन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए। एक तो हर जो भी यानी GS सर कहते हैं, हमारे मीटिंग लेते हैं अधिकतर, हर एक बात बताते हैं कि इस तरीके से अगर तुम पूरा मैनेजमेंट के साथ चलोगे, पूरा टाइम मैनेजमेंट करोगे कि भाई हमें सुबह से शाम तक इस लगातार ऐसे पढ़ना है, तो अगर वही अगर फॉलो करो तो वही अगर फॉलो करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर हम हॉस्टल के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो हॉस्टल के अंदर मैं बहुत खुश हूँ कि हॉस्टल के अंदर हूँ, क्योंकि सुबह से हमारे शाम तक हर एक चीज़ का टाइम टेबल रहता है, कब उठना है, कब खाना खाने जाना है, कब सोना है, कब कितनी देर पढ़ना है, और दिन का भी टाइम फिक्स है कि इतने बजे सोना है, और वार्डन हर टाइम हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई का टाइम और बच्चे सो रहे हो, ऐसा नहीं हो कि बच्चे अपना रास्ता भटक रहे हो। अच्छा ठीक है, सेफ्टी को लेके क्या बोलोगे, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में रहती है कि भाई क्या पता बच्ची को छोड़ तो रहे हैं, तो क्योंकि आप अच्छा बोल भी लेते हो, एक बार जोरदार ताली बजाओ। सेफ्टी कहीं ना कहीं गर्ल्स को लेके मेजर इशू रहता है, तो रॉयल के सिस्टम के साथ में आप क्या आपने ऐसा अनुभव किया कि आपको कभी चिंता ही नहीं हुई, या दूसरों को क्या बताना चाहोगे। अगर पेरेंट्स यहाँ पर अगर किसी लड़की को भी, लड़की हो चाहे लड़का, मैं तो कहती हूँ अगर किसी को भी छोड़ के जाए तो पेरेंट्स को टेंशन ही नहीं लेनी कि भाई उसका क्या होगा, यहाँ रहते हो तो 1% टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जी सर अगर मम्मी पापा से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ के, कौन लड़की क्या करी, घर पर भी इतना ध्यान नहीं रहता होगा जितना यहाँ पर रखते हैं हमारा। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूँ, वास्तव में हम हर पॉइंट पर काम करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट पर काम करते हैं, और उसी का नतीजा है कि हर बार रिजल्ट आते ही आपके सामने लाइव आ जाते हैं। उसी का नतीजा है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी रैंक आएगी मैं लेके आऊँगा आपके पास, RC उदयपुर में इतने, जोबनेर में इतने, BHU में इतने, ICR में इतने, क्योंकि इतनी मेहनत करना बिना ईमानदारी के किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और ईमानदारी से मेहनत करने वालों की संख्या बहुत कम है। मैं धन्यवाद दूंगा बेटा, आप पूरी साल ईमानदारी से आपने मेहनत की। इसके साथ में कोमल के पापा जी हरिप्रकाश जी, उनसे जानना चाहूँगा, एक बार सर आप इधर आए, आप हमारे गार्जियंस भी है और मेरे अच्छे मित्र भी बन गए, आपको रॉयल के बारे में आपको कैसा लगा।
सर्वप्रथम तो मैं पूरी टीम को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करके और जो हमारे अभिभावक हैं उनको एक मोटिवेशन देते हैं, बच्चों में इस प्रकार की मोटिवेशन की भावना पैदा करते हैं। साथ ही जो दूर दूर जिलों से जो यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़ रही है, वास्तव में उनके घर वाले संतुष्ट हैं और यहाँ की जो अपने स्टाफ के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उससे मैं खुद संतुष्ट हूँ। और प्रतिवर्ष मैं कम से कम 10-15 विद्यार्थी यहाँ 11th-12th के अंदर एडमिशन कराता हूँ। मैं 4-5 साल से आपसे जुड़ा हूँ और आपके जो वर्क शैली और जो आपका प्रेजेंटेशन दे करके मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं आपके लिए दुआएं करता हूं कि वास्तव में जिस प्रकार का आप मोटिवेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वास्तव में राजनीति के आप अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। और कोमल गत साल भी इसके नंबर आए थे और इसका भिलवाड़ा कॉलेज में प्राइवेट सीट में इसका सिलेक्शन भी हो गया था। फीस जमा कराना चाह रहा था लेकिन इसने कहा कि पापा आप 80,000 रुपये प्रतिवर्ष जमा कराएंगे, उससे अच्छा मैं एक साल और तैयारी कर लूँगा। और घर से टारगेट लेके आए कि मैं ICAR में चयन होने के बाद ही वापस घर आऊँगी, इसका लक्ष्य था। लेकिन जेट में मैं हमारी खुद की भी गलती रही कि हमारे कोई पारिवारिक कार्यक्रम था उसको इसको हमने बुला लिया, 5-7 दिन घर पर रही, उसके बाद ही इसकी रैंक में क्या गिरावट आती गई और इसका हताश होना ही सफलता का जो मूल मंत्र। लेकिन इन्होंने क्या ज़्यादा दिमाग में इस प्रकार इसलिए लिया, प्रति जो टेस्ट हो रहा था उसमें ज़्यादा गिरावट आने के बाद ज़्यादा गलती की। और मैं चाहता हूँ इसे अभी YouTube के जो हमारा लाइव प्रसारण है इसके माध्यम से सभी भागों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चों को निरंतर आप मोटिवेशन करें और पारिवारिक कार्यक्रमों में आप इस प्रकार उनको ज़्यादा बिजी नहीं रखें, क्योंकि उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है और जो उनकी नियमित है पढ़ाई वो अवरुद्ध हो जाती है। और आपने जो कार्यक्रम में हमें सम्मान दिया उन्हें मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में, साथ ही आपने जो पूरे राजस्थान और भारत में जो पहचान बनाई वो काबिले तारीफ, पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा सर कि जितने दिन हमारी सांसें चलेगी उतने दिन हम ईमानदारी से काम करेंगे। और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चे को भेज तो दें लेकिन हमारी तरह कोई ख्याल रखने वाला चाहिए, तो वो हम पूरे काम जो पेरेंट्स के दिमाग में चलता है इस टाइम वो पूरे काम करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हो सकता है हम ईमानदारी से काम करें तो कुछ बच्चों को शुरुआती 5-7 दिन में दिक्कत आए, लेकिन एक बार बच्चा हमारे पास 5-7 दिन रुक गया तो हम पूरे सक्षम है इसमें कि बच्चे को वो किसी भी लाइन का क्यों ना हो उसको डाइवर्ट करके मुख्य धारा में ले आते हैं और ईमानदारी से उस बच्चे से मेहनत करवाते हैं और वो देश के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है। पुनः मैं आपका एक तो ये आभार व्यक्त करूंगा कि आपने सही बात बोली। मैं स्टाफ का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इन्होंने बातों ही बातों में एक बड़ी बात बोली। इन्होंने बोला कि जब बच्चे का एग्जाम था जेट का, उससे पहले किसी ने किसी कारणवश हमने बच्ची को 5-7 दिन के लिए घर बुला लिया और उसके बाद में जब बच्ची आई तो कहीं ना कहीं इसका रूटीन टूटा और रूटीन टूटा तो ये कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में ऊपर नीचे हुई, मतलब इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उस रैंक की वजह से ऊपर नीचे हुआ, गड़बड़ाया। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको बताना चाहते हैं लाइव के जरिए कि कोशिश आप ये करो जब तक बच्चे के पेपर नहीं हो तब तक आप घर नहीं बुलाओ। और बच्ची ने ये विश्वास दिया था कि पापा मैं पेपर दे के आऊँगी, लेकिन पापा की वजह से ये गाँव गई और 5-10 दिन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, लेकिन ये सब चलता है। वैसे सर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बच्ची है हमारी, अच्छी इसने मेहनत की और मैं यहाँ कारण मानूंगा वो ईश्वर को और ये ICAR में बेहतरीन रैंक आपको लाके बताएगी। अच्छा पढ़ती है और ईमानदारी से पढ़ती है, सबसे बड़ी बात है। और इसकी बड़ी बात है कि दूसरे को पॉजिटिव रखती है, पूरा माहौल बना के रखती है। एक बार जोरदार तालियां कोमल के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ।